हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सर आर्थर कॉनन डायल की किताबों का मशहूर जासूस शर्लॉक होम्स बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की अद्भुत क्षमता रखता था। सैकड़ों कातिलों को शर्लॉक होम्स ने बॉडी लैंग्वेज के आधार पर पहचान लिया था। आप भी शर्लॉक होम्स जैसा क्यों नहीं बन सकते? पढ़ सकते हैं आप भी शरीर की भाषा, देह बोली, बॉडी लैंग्वेज। जरूरत है बस थोड़े से अभ्यास की, थोड़े से समझ की। बॉडी लैंग्वेज, देह बोली, शरीर के अलग अलग मुद्राओं के स्टडी से मन में छुपे भावों को जानने की अनूठी कला है बॉडी लैंग्वेज। क्या छुपा है झील सी गहरी आंखों में? क्या बताती हैं माथे की लकीरें? क्या कहना चाहती हैं उंगलियां? शरीर के स्तर पे होने वाले अलग अलग परिवर्तनों और बदलते हालात और मुद्राओं के सहारे मन की गहराइयों में चलने वाली उथल पुथल की जानकारी मिलती है अगर आप शरीर की मूक भाषा को, बॉडी लैंग्वेज को जानने की समझ रखते हैं। तो अपने में ऐसी समझ का विकास कर आप विजयी व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हैं, क्योंकि तब इस बात का आपको स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि लोगों से मिलते जुलते समय आपको कब क्या करना है। ऐसी जानकारी जहां आपके समय और शक्ति की बचत करती है, वहीं इस बारे में भी सचेत करती है आपको कि आपसे कहां गलती हुई है और उसमें सुधार कैसे मुमकिन है। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ टेक्निक्स को आपको समझना होगा, कुछ मुद्राओं को, कुछ एक्सप्रेशंस को पहचानना होगा और कुछ संकेतों पे व्यक्ति के दृष्टिकोण को जानना होगा। मन की गहराइयों में होने वाली हलचल शरीर के लेवल पे अलग अलग हालात, मुद्राओं और प्रतीकों के रूप में प्रकट होती है, जिन्हें समझने के लिए जरूरत होती है एक विशेष तरह की जानकारी और उसके अभ्यास की, जो मिलेगी आपको आज के इस शो में, दिल से में, बॉडी लैंग्वेज। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज यानी देह बोली का इस्तेमाल पशु पक्षी, जीव जंतु भी करते हैं। प्राचीन काल में आदि मानव भी इसी शारीरिक भाषा का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि भाषा या शब्द यानी शाब्दिक भाषा से वे परिचित नहीं थे। दरअसल शारीरिक भाषा के साथ साथ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल भी उनके बीच होने लगा था। लेकिन समय के साथ विकास भी जरूरी होता है। यूं संसार के सारे प्राणियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, क्योंकि उसमें बाकी प्राणियों के मुकाबले कहीं ज्यादा गुण और खासियतें हैं। इंसान में पाई जाने वाली इन अनेक खासियतों में से दो खासियतें और गुण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और खास हैं, विशिष्ट हैं, जिन्हें हम सहज ही संसार के विकास, प्रगति और उन्नति का आधार मान सकते हैं। इंसान के ये दो खास गुण हैं उसकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, और जिज्ञासा की भावना, क्यूरियोसिटी। मानव मन में उसकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान और उसके आसपास के वातावरण के आधार पर उसकी कल्पना हर समय कोई न कोई चित्र या विचार प्रस्तुत करती रहती है, और जब वो चित्र या विचार मानव मन की गहराइयों तक बैठ जाता है तो उसे साकार रूप में देखने या उसे क्रियात्मक रूप में देखने की एक सहज इच्छा मानव के मन में जाग उठती है, एक जिज्ञासा इंसान के मन में जाग उठती है, और फिर वो अपनी उस कल्पना को यथार्थ में प्रकट करके अपनी जिज्ञासा शांत करने के प्रयास में जुट जाता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आदिम युग से यानी सृष्टि के प्रारंभ से ही इंसान में ये गुण मौजूद रहे हैं। नए ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करने की सहज जिज्ञासा और इसके जीते जागते सबूत हमारे सामने आज मौजूद है।
अगर इंसान में ये गुण मौजूद ना होते तो आज हम आपस में शाब्दिक भाषा का इस्तेमाल न कर रहे होते और हम अपने आप को, अपने समाज को, अपनी सभ्यता और तहजीब को जिस उन्नत रूप में देख रहे हैं उस रूप में न देख पाते। हिंदुस्तान की पहली टॉकी फिल्म थी आलम आरा, उससे पहले साइलेंट फिल्में बनती थी, मूक फिल्में बनती थी। उनमें काम करने वाले कलाकार साइलेंट कम्युनिकेशन की खूबियों में माहिर थे। उस समय स्क्रीन पे कम्युनिकेशन का माध्यम केवल यही था। कोई कलाकार जितनी खूबी से और असरदार अंदाज में मुद्राओं और दूसरे बॉडी लैंग्वेज के संकेतों का इस्तेमाल करता था वो उतना ही अच्छा और उतना ही सफल कलाकार माना जाता था। जब टॉकी फिल्मों का दौर आया तो साइलेंट फिल्मों का दौर खत्म हो गया, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल आज भी बखूबी निभाया जाता है। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल एक दूसरे से कुछ कहने या सूचना देने के लिए होता है, वहीं बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल भावों को, फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए स्त्री और पुरुषों के मस्तिष्क में विभिन्नता होती है और माना जाता है, कहा जाता है कि स्त्रियां अधिकतर चेहरे के भावों का आश्रय लेती हैं जबकि पुरुष शरीर की हरकतों और इशारों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने फीलिंग्स का इजहार करते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने और दूसरों की बातों पे, चेहरे पे भाव ले आने में स्त्रियों को महारत हासिल होती है। चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने वाला अगर ध्यान से देखे तो उसे हैरानी होगी कि इनके चेहरे पे कितनी तीव्रता से भाव एक्सप्रेशंस आते जाते या बदलते हैं। आप किसी स्त्री को किसी भावनात्मक घटना के बारे में बता रहे हैं तो आपको स्त्री का चेहरा अपने द्वारा बताए गए एक्सप्रेशंस, बताए गए जज्बात को रिफ्लेक्ट करता होगा। आप उनको अगर कुछ बता रहे हैं, कोई जज्बाती घटना बता रहे हैं, तो आपके जज्बात का रिफ्लेक्शन उस स्त्री के चेहरे पे यकीनन नजर आएगा, क्योंकि उनका चेहरा यूं माना जाता है कि ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है और वो अपने भाव अपने चेहरे से बिल्कुल आसानी से व्यक्त करती हैं। ध्यान से देखने पे लगेगा मानो आपके द्वारा बताई जा रही घटना का दृश्य उस स्त्री की आंखों के आगे घट रहा है, हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि स्त्रियां आपके आवाज के लहजे और बॉडी लैंग्वेज के जरिए कही गई बातों के मतलब को अच्छी तरह समझती हैं और अपने समझे हुए जज्बात को, भावों को अपने चेहरे के भावों और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा व्यक्त करती हैं। पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में थोड़ा कम जज्बाती माना जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग देखने में आते हैं जिनके चेहरे के भाव तेजी से बदलते हैं मगर स्त्रियों जितनी तेजी से नहीं। बहुत से व्यक्ति अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी उनकी आंखों और चेहरों की बदली आकृति आपको सब कुछ बता देती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार एक पुरुष किसी परिचित स्त्री की भावनाओं को जब अपने चेहरे के माध्यम से प्रदर्शित करता है, एक्सप्रेस करता है, दिखाता है, तो वो स्त्री को आकर्षक ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी प्रतीत होता है। स्त्रियों की तरह पुरुष भी भावनाओं को अनुभव करते हैं, लेकिन वो स्त्रियों जितनी तीव्रता के साथ उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये अंतर उन दोनों में साफ देखा जाता है। बहुत से लोगों की ये राय है कि पुरुषों के दिमाग बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह पढ़ने में सक्षम नहीं होते, इसलिए स्त्रियों द्वारा ज्यादातर पुरुषों को दूसरों की आवश्यकताओं और भावनाओं के प्रति लापरवाह कहा जाता है। यानी स्त्रियां ये मानती हैं कि पुरुष, ज्यादातर पुरुष दूसरों की जरूरतों को समझ नहीं पाते और पुरुष दूसरों के जज्बात को भी नहीं समझ पाते, वो लापरवाह होते हैं। मिसाल के तौर पर एक कॉकटेल पार्टी में अनेक स्त्रियों से घिरी हुई स्त्री ने अपने पति की तरफ देखा और अपने पति को आंखों से कई बार संकेत किया, लेकिन पति उसके संकेत को समझ नहीं पाया। बाद में पार्टी से वापस आकर पत्नी ने बड़ी बेरुखी से कहा, कैसे इंसान हो तुम,
मैंने कितनी बार आंखों से तुम्हें संकेत किया कि मैं पार्टी छोड़कर घर जाना चाहती हूं। पति ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे संकेत को समझ नहीं पाया। पति अपनी पत्नी द्वारा किए गए संकेत को समझ नहीं पाया। लेकिन अगर यही संकेत पत्नी ने किसी स्त्री को दिया होता तो वो उसके संकेत को फौरन समझ जाती। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, पति अपनी पत्नी द्वारा किए गए संकेत को समझ नहीं सका, लेकिन अगर यही संकेत पत्नी ने किसी स्त्री को दिया होता तो वो उसके संकेत को फौरन समझ जाती। पुरुषों के लिए ये ताज्जुब की बात हो सकती है कि स्त्रियां किस प्रकार काम, क्रोध, चालाकी, असहमति और पलायन के लिए किए जाने वाले संकेतों को साफ साफ और स्पष्ट रूप से समझ लेती हैं, जबकि ऐसे संकेतों को बारीकी के साथ पढ़ना पुरुषों के लिए मुमकिन नहीं होता। स्त्रियों में इस तरह की कुछ विशेषताएं इनबॉर्न भी होती हैं, जन्मजात भी होती हैं। मुमकिन है बहुत सारे पुरुष ये संकेत समझते हों, बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में सफल होते हों और स्त्रियों की तरह माहिर भी हों। मानव जीवन के क्रियाकलापों में बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए इस भाषा को सीखना महत्वपूर्ण ही नहीं, जरूरी भी है। अचेतन मन की व्याख्या डेफिनेशन जब सिगमंड फ्रॉयड ने की तो कुछ लोगों ने तो उसकी बातों को अनसुना कर दिया, जबकि कुछ को सिगमंड फ्रॉयड की बातों में जादू लगा। इसकी वजह साफ थी, स्थूल जगत में जीने वालों को यह बात समझ नहीं आई कि उनकी चेतन क्रियाएं अचेतन द्वारा चलाई जा रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके जीवन में ज्यादातर वो संपन्न हो रहा है जिस पे उनका किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अचेतन मन की डेफिनेशन जब सिगमंड फ्रॉयड ने की तो कुछ लोगों ने तो उसकी बातों को अनसुना कर दिया, जबकि कुछ को उसकी बातों में जादू लगा। कारण स्पष्ट था, स्थूल जगत में जीने वालों को यह बात समझ में नहीं आई कि उनकी चेतन क्रियाएं अचेतन द्वारा चलाई जा रही हैं। इसका मतलब हुआ कि उनके जीवन में वो संपन्न हो रहा है जिस पे उनका किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, काबू नहीं है। इतना ही नहीं, जब शारीरिक रोगों के कारण के रूप में अस्वस्थ मन की विवेचना कुछ हेल्थ साइंटिस्ट ने की तो ये बात लोगों के गले नहीं उतरी। लोगों ने इसे साइंटिफिक रूप से अस्वीकार कर दिया और कहा कि शारीरिक रोग मन से कैसे हो सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि मन होता है कारण शारीरिक रोगों के लिए। लेकिन बहुत सारे रिसर्चेस हुए, लगातार रिसर्चेस हुए और आज साबित हो गया कि तन मन में स्थूल सूक्ष्म का अंतर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फ, पानी और बाष्प में होता है। बॉडी लैंग्वेज की स्टडी करने वालों की मूल मान्यता यह है कि मन के गहराई में आने वाली तरंग शरीर के स्तर पर किसी न किसी मुद्रा या संकेत के रूप में जरूर प्रकट होती है। ये बात अलग है कि आप उसे पकड़ पाते हैं या नहीं। बॉडी लैंग्वेज को, शरीर की भाषा को जानने वाला सामने वाले व्यक्तित्व के बारे में ऐसे तथ्य बता सकता है जिन्हें शायद दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, हमारे शरीर से दिन भर में न जाने कितनी मुद्राएं बनती और बिगड़ती रहती हैं, उन सभी का आकलन करना एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कुछ खास बुनियादी मुद्राएं ऐसी हैं जिनका ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं। उन्हीं के आधार पर हम ये फैसला कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक मुद्रा से क्या कहना चाहता है या वो उस मुद्रा के जरिए क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। जब हम रात में बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारे शरीर के भाग न जाने कितनी देर तक इधर उधर डोलते रहते हैं, मुड़ते रहते हैं, सीधे होते रहते हैं। अगर किसी वजह से हमें नींद ना आ रही हो या बेचैनी हो तो कभी हम बिस्तर पे लेट जाते हैं, करवटें बदलते रहते हैं या उठकर बैठ जाते हैं या कोई पुस्तक खोलकर पढ़ने लगते हैं। इस तरह जो मुद्राएं बनती रहती हैं वो हमारे किसी काम की नहीं होती और न ही उनसे हम कुछ जान सकते हैं। दरअसल जब किसी एक मुद्रा में कोई लेटा हुआ व्यक्ति स्थिर रहता है, जैसे एक पैर के घुटने में दूसरा पैर रखना,
और वो हमेशा ऐसा ही करता है, तो वो विशेष मुद्रा हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब किसी एक मुद्रा में कोई लेटा हुए व्यक्ति स्थिर रहता है, जैसे एक पैर के घुटने पे दूसरा पैर रखना, और वो हमेशा ऐसा ही करता है, तो वो विशेष मुद्रा हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बतलाती है। इसी तरह कोई व्यक्ति हमेशा नजर का चश्मा लगाया रहता है। कोई व्यक्ति जब उससे मिलने आता है, तब वो अपना चश्मा उतार कर साफ करने लगता है, तो उसके शरीर की भाषा से, बॉडी लैंग्वेज से हम कोई नतीजा जरूर निकाल सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज के सिवा कुछ खास संकेत भी होते हैं। उन संकेतों के द्वारा भी हम व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने में सफल हो सकते हैं। लेकिन संकेतों को समझने के लिए हमें काफी गहराई में जाना पड़ता है, क्योंकि हरेक संकेत दो भावों को व्यक्त करता है। मिसाल के लिए, ताली बजाने के लिए हमें हाथों की दोनों हथेलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी दोनों हथेलियों को हम आपस में टकराते हैं तो ताली की आवाज पैदा होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ताली बजाई है, उसकी हथेलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई दूर खड़ा व्यक्ति उसी की ओर देख रहा है। इतनी दूर से वो ताली की आवाज तो नहीं सुन सकता, लेकिन दोनों हथेलियों को मिली हुई जरूर देख सकता है। इस दशा में वो निर्णय नहीं कर पाएगा कि हथेलियां मिलाकर ताली बजाई जा रही है, किसी को हाथ जोड़कर नमस्ते की गई है। अब इस संकेत के द्वारा किस निर्णय में तो हमें पहुंचना ही है, तो क्या किया जाए? हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैंने आपको एक मिसाल दी। एक व्यक्ति ने ताली बजाई, उसकी हथेलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई दूर खड़ा व्यक्ति उसी ओर देख रहा है। इतनी दूर से वो ताली की आवाज तो नहीं सुन सकता, लेकिन दोनों हथेलियों को मिली हुई जरूर देख सकता है। अब इस हालत में वो ये फैसला नहीं कर पाएगा कि हथेलियां मिलाकर ताली बजाई जा रही है या किसी को हाथ जोड़कर नमस्ते की गई है। अब इस संकेत के द्वारा किसी निर्णय पे तो हमें पहुंचना ही है। अगर कोई व्यक्ति उसके पास है, तो सोचा जा सकता है कि वो संकेत नमस्ते करने का है, लेकिन अगर वो व्यक्ति अकेला है, तो निश्चय ही उसने ताली बजाई है। सीरियसली अगर उस बात पे सोचा जाए, स्टडी की जाए, तो ताली बजाने का कारण भी समझ में आ सकता है। मुमकिन है उसके कान में किसी क्रिकेट मैच की कमेंट्री की आवाज आ रही हो, और उसके प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने सिक्सर लगाया हो, जिस कारण उसने ताली बजाई हो, या अपनी ही किसी बात पे खुश होकर ताली बजा बैठा हो, या उसे कोई खुशखबरी मिली हो। हमारा ये फैसला बिल्कुल सही लगता है। एक और मिसाल, अगर आप नौकरी पाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए कहीं जाते हैं, और आपको बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान है, तो इंटरव्यू वाले की मुद्रा को देखकर ही, बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि नौकरी आपको मिलने वाली है या नहीं। अगर नहीं मिलनी है, तो आप आगे किसी दूसरी जगह पर ट्राई करेंगे। इस तरह आप अपना कीमती समय सही सही इस्तेमाल करेंगे, और उस तरह अपने समय की बचत भी कर पाएंगे आप। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज को, देह बोली को समझना किसी पहेली से कम नहीं। ये एक दक्षता है, ये एक टेक्निक है, जिसे स्टडी के जरिए हासिल किया जाता है, जो निष्कर्ष, प्रयोग और मापन पर आधारित है। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की काबिलियत का अर्थ है कि हम हर रोज की स्थितियों में साफ नजर आने वाली चीजों को समझ सकें, उन्हें पढ़ सकें। बॉडी लैंग्वेज का बुनियादी उसूल यह है कि अकेले संकेत की कभी व्याख्या न करें, उसे डिफाइन न करें, हमेशा समूहों को ध्यान में रखें, और इस बात को पक्का कर लें कि सभी संकेतों के बैकग्राउंड और कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं, उन्हें ध्यान में रखें। बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करना या पढ़ना नामुमकिन नहीं है, इसके लिए केवल कुछ मिनट का समय निकालना ही काफी होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अपने स्कूल और कॉलेज की किताबों के साथ साथ संकेतों को पढ़ने का भी प्रयत्न करें। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, या किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बॉडी लैंग्वेज सीखने का सबसे बेहतरीन स्थान वही होगा जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं।
क्लब, होटल, रेस्टोरेंट इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि इस तरह के स्थानों पे लोग अपने हाव-भाव द्वारा उत्सुकता, दुख, खुशी, क्रोध, धीरज और बेसब्री आदि को संकेतों द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही दिलचस्प कला। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बस स्टॉप्स, पब्लिक फंक्शंस, पार्टीज, बिजनेस मीटिंग्स भी बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए बेहतरीन स्थान साबित हो सकते हैं। टेलीविजन देखना भी एक अच्छा साधन है। पहले साइलेंट फिल्में बना करती थी, वो बॉडी लैंग्वेज सीखने का सबसे बेहतरीन माध्यम थी, लेकिन अब साइलेंट फिल्में बनती नहीं, इसलिए वही काम आप अपने टेलीविजन से ले सकते हैं। आप टेलीविजन के साउंड को बंद कर दें और केवल मूविंग पिक्चर्स देखकर ये समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है और कौन सा किरदार क्या कह रहा है। आप कितना सही समझ रहे हैं ये जानने के लिए बीच बीच में साउंड ऑन करके देख भी लें। इससे आपको बॉडी लैंग्वेज समझने की गलती को सुधारने का मौका भी मिल जाएगा। बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा पढ़ने वाले व्यक्ति को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी के भी व्यवहार के द्वारा उसके दृष्टिकोण को पढ़ा जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट का मानना है कि हर एक व्यक्ति के मुंह से निकले शब्दों का प्रभाव 7-10%, स्वर का प्रभाव 15-25% और बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव 60-75% होता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज का महत्व स्वर और शब्दों से कहीं ज्यादा है। बहुत सी बातें हम मुंह से नहीं कहते बल्कि शरीर के संकेतों से व्यक्त करते हैं। आपके देखने का ढंग, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी मुस्कुराहट, आपका लिबास यानी आपकी पोशाक और चाल ढाल का देखने वाले पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। पे हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हर संकेत एक अकेला शब्द है जिसके कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जब आप एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में रखते हैं तभी आप उसका कंप्लीट अर्थ समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे सर खुजाने और पलके झपकाने के कई अर्थ हो सकते हैं। अक्सर बुनियादी शारीरिक भाषा के संकेत हर जगह एक से होते हैं। जैसे जब कोई गुस्से में होता है, क्रोधित होता है तो नाक फुला लेता है या भौहें चढ़ा देता है। जब दुखी होता है तो उसका चेहरा कुछ भावहीन सा, मुरझाया हुआ सा लगता है और जब खुश होता है तो मुस्कुराता है। सर हिलाने का अर्थ भी हर जगह हां या सकारात्मक होता है। बहुत सी मुस्कुराहट जन्मजात होती है। ऐसे बहुत से स्त्री पुरुष देखने को मिल सकते हैं जिनके होठों पे हर समय मुस्कुराहट खेलती रहती है, न चाहते हुए भी वो मुस्कुराते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे अपने हाथ और पैर आपस में गूंथे यानी आर पार करके खड़ा हो, उसकी ठुड्डी नीचे हो और सर्दी का मौसम हो तो इस बात की अधिक संभावना है कि उसे ठंड लग रही है, न कि ये कि वो डिफेंसिव मुद्रा में है। ऐसे संकेतों का प्रयोग व्यक्ति उस समय करता है जब वो टेबल पे किसी के सामने बैठा अपने विचार प्रकट करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी व्यक्ति डिफेंसिव है या नेगेटिव है वो उस संदर्भ पे डिपेंड करता है जिस संदर्भ में वो है या जिस हालत में वो है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही दिलचस्प कला है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आपने कभी किसी हिंसक पशु को देखा है? तो आपको याद होगा कि जब कोई वाइल्ड एनिमल, कोई हिंसक पशु अपने दांत चमकाता है तो उसका भाव काटने का होता है, खाने का होता है। लेकिन जब कोई स्त्री, कोई पुरुष अपने दांत दिखाते हैं तो उनका मतलब होता है मुस्कुराना, और मुस्कुराने का उद्गम और संकेत का मतलब है खुशी, आनंद। आप जितना मुस्कुराने का इस्तेमाल करेंगे लोग उतने ही नजदीकी पसंद करेंगे। आपको
संपर्क देना चाहेंगे या आपके कॉन्टैक्ट में आना चाहेंगे। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं होगी जो आपकी मुस्कुराहट को देखकर आपको आंखों का संपर्क देंगे, आपको स्पर्श करने के लिए प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे। मतलब ये कि आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के लिए मुस्कुराहट एक बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि ये दर्शाती है कि आप धमका नहीं रहे हैं या आप उनके लिए खतरा नहीं है। मुस्कुराना अच्छी सेहत, अच्छी मानसिकता और सुख समृद्धि का प्रतीक है। इंसान अपने मन का अक्स है, उसकी मानसिक दशा और सफलता में गहरा संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है प्रसन्न चित्त रहना, खुश रहना, मुस्कुराना। मुस्कुराने की जरूरत हर रोज के काम में भी कम नहीं पड़ती। जिंदगी को आप जंग समझें या मजाक, ये आपके हाथ में है। आपके कर्तव्य की कठोरता आपको अधीर बना सकती है, लेकिन अगर आप इसका मुकाबला मुस्कुराकर करेंगे तो उसका पालन करना आपको सरल महसूस होगा। व्यक्त करने की क्षमता शब्दों से अधिक हमारे कामों में होती है। अपने प्रियतम के मिलने पे हम कम नमस्कार करते हैं, केवल मुस्कुरा देते हैं, वी जस्ट स्माइल। और जो प्रेम एक मुस्कुराहट द्वारा व्यक्त होता है वो हजारों नमस्कारों द्वारा व्यक्त नहीं हो पाता। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दार्शनिक सा चेहरा बनाए रहने वालों के मुकाबले खुश मिजाज लोगों के दोस्त अधिक होते हैं। मुस्कुराने में शायद एक पल लगता है, पर उसकी याद किसी को जिंदगी भर रह सकती है। मुस्कुराने में आपका कुछ खर्च नहीं होता, पर जिससे वो मिलती है उसकी खुशी बढ़ जाती है। हर रोज के काम में जहां भी आप जिससे भी मिलिए मुस्कुराते हुए मिलिए। स्माइल स्माइल ऑल द टाइम व्हाइल वर्किंग, मीट पीपल और उनसे मुस्कुराकर मिलिए। स्त्रियों के मामले में तो यहां तक कहा जाता है कि मुस्कुराहट स्त्रियों का गहना है। शरीर के बाकी अंग उतना काम नहीं करते जितना कि केवल एक मुस्कुराहट कर देती है। जब भी कोई स्त्री आपके सामने मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कुराहट हमेशा कुछ कहती है। क्या कहती है, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। मिसाल के लिए, अगर कोई स्त्री एक टक आपकी ओर देखकर मुस्कुराती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने अंतर मन से जूझ रही है। अगर उसने सामने वाले की किसी बात पे ऐसा पोज दिया है तो समझना चाहिए कि वो जानना चाह रही है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। ऐसे में उसकी आंखें भी कुछ कहती हैं, कुछ सोचती हैं। अगर आप अपने मन का भेद उस स्त्री पे जाहिर नहीं करना चाहते तो सावधान हो जाइए, वरना उसकी आंखों का पहनापन और उसकी कातिल मुस्कुराहट आपसे बहुत कुछ कहलवा लेगी। बहुत सी स्त्रियां उस समय मुस्कुराती हैं जब उनकी तारीफ की जाती है। अपनी तारीफ सुनकर वो हौले हौले मुस्कुराती हैं, जैसा कि आपने कई बार देखा भी होगा। उनका भाव, उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है जैसे वो न चाहते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही हैं। ये स्त्रियां सदा दूसरों का लाभ सोचने वाली और लाभ पहुंचाने वाली होती हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, शर्लक होम्स को आप जानते हैं, आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। सर आर्थर कॉनन डायल की किताबों का मशहूर जासूस शर्लक होम्स बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की अद्भुत क्षमता रखता था। सैकड़ों कातिलों को शर्लक होम्स ने बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे पहचान लिया था। आप भी शर्लक होम्स जैसा क्यों नहीं बन सकते, आप भी पढ़ सकते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, देह बोली, क्या छुपा है झील सी गहरी आंखों में, क्या बताती हैं माथे की लकीरें, क्या कहना चाहती हैं उंगलियां, शरीर के स्तर पे होने वाले अलग अलग परिवर्तनों और बदलती स्थितियों और मुद्राओं के सहारे मन की गहराइयों पे चलने वाली उथल पुथल की जानकारी मिलती है अगर आप
शरीर की मूक भाषा को, बॉडी लैंग्वेज को जानने की समझ रखते हो, अपने में ऐसी समझ का विकास कर आप विजयी व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि तब इस बात का आपको स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि लोगों से मिलते जुलते समय आपको कब क्या करना है। ऐसी जानकारी जहां आपके समय और शक्ति की बचत हो जाती है, वहीं इस बारे में भी सचेत करती है आपको कि आपसे कहां गलती हुई है और उसमें सुधार कैसे मुमकिन है। इसी बात पे ये कविता। नदी के किनारे बैठा मैं, देख पा रहा हूं उसके बुदबुदाते होठों को, जो अनजाने में कुछ अस्पष्ट सा कह जाते हैं। सुन पा रहा हूं मैं उसके एक एक शब्द को, जो दिल की गहराई से उठते हैं और उजल हो जाते हैं न जाने कहां, कंठ तक पहुंचने से पहले ही। नदी को मैंने उठते बैठते सोते चलते हंसते इठलाते गम में गोते लगाते अर्थात उसके संपूर्ण रूप में देखा है। नदी को देखते सुनते समझते बदल गया है मेरा सर्वस्व। ये समूची प्रकृति नदी की मानिंदी तो सतह और गहराई और दो तटों के बीच सिमट कर बहती रही है, बहे जा रही है। नदी के किनारे बैठा मैं, देख पा रहा हूं उसके बुदबुदाते होठों को, जो अनजाने में कुछ अस्पष्ट सा कह जाते हैं। अपने दोस्त अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।